सुप्रति आपको स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल किताबी खजाना पर। दोस्तों यहाँ पे हम हिंदी साहित्य के बारे में बात करते हैं, हिंदी में अनुदित हुई किताबों के बारे में बात करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो हमारे बारे में, हमारे बारे में मतलब हर एक लड़की के बारे में, हर एक महिला के बारे में, जो कि स्वाधीनता पूर्वक इस समाज में एक अपना पहचान बनाकर खुद जीना चाहती है। एक ऐसे सवाल भी सामने आते हैं, क्या हर लड़की, क्या हर महिला बिना पुरुष के जी नहीं सकती? क्या ये समाज क्यों सवाल करती है, आखिर अगर एक लड़की स्वाधीनता से जीना चाहती, आज़ादी से जीना चाहती, एक अपनी पहचान बनाकर वो क्या समाज के आगे दृढ़ नहीं बन सकती? क्यों इस बात से समाज को इतनी खेद है? आइए बात करते हैं इस किताब के बारे में। कालिंदी, जो कि मेरे पास हार्ड कवर में है, आप देख सकते हैं। तो इस जो किताब की लेखिका हैं शिवानी जी, उनके जो योगदान है साहित्य में वो कुछ ऐसी हैं कि उनको 1979 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं ये लेखिका। तो आइए बात करते हैं अब इस कहानी की। ये कहानी शुरू होती है, ये कहानी अल्मोड़ा की है, उस पहाड़ी जगह की जो हमारी मन मोहित करती है अपने ही, ये जो दर्शनीय जगह है, ये सारों को देख के जब हम इतने प्रफुल्लित होते हैं उस अल्मोड़ा की। ये कहानी है अन्नपूर्णा की, जो कि विवाह के बाद ही कुछ दिनों बाद अपने मायके लौट आई थी, क्योंकि उनके पति और ससुराल वालों ने मिलकर उन पर जो जुल्म किए थे वो उसको सह नहीं पाई और फिर मायके चली आई। जब उनके पिता और गांव के लोगों ने कहा क्या बेटी वापस नहीं जाएगी, तो उन्होंने बिल्कुल स्वाधीनता पूर्वक अपने स्वर उठाए थे कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी और अपने ही लिए जीऊंगी। और इनके ये फैसले से वो बेखबर थी कि उनके जो उनके गर्भ में एक जान पल चुकी है, वो जान एक लड़की। जब उन्होंने उस लड़की को पैदा किया कालिंदी, वो लड़की तो अन्नपूर्णा हमेशा सोचती थी क्या मेरी लड़की की, मेरी बेटी की भाग्य भी मेरी तरह हो जाएगी, क्या ये भी बिना पुरुष के जिएगी? ना जाने क्यों ऐसे ख्याल उनके मन में आते थे। वो बोले, जिसे मैं मेरे पति के साथ घर नहीं बसा पाई, क्या मेरी लड़की के भाग्य भी ऐसा होगा? ना जाने क्यों ऐसे सोच रही थी अन्नपूर्णा। और जब कालिंदी बड़ी हुई, हाँ कालिंदी को उसके बड़े मामा ने बड़े ही लाड़ प्यार से, बड़े मामा नहीं मझले मामा देवेंद्र ने बहुत ही लाड़ प्यार से बड़े किए थे। और उनकी शादी जब हुई कालिंदी की, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे घर में कालिंदी की जो है शादी ठीक करा दी थी, क्योंकि कालिंदी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन चुकी थी और उसके लिए एक डॉक्टर ही चुना गया था, डॉक्टर जोशी के रूप में। लेकिन जब वो शादी की बारात लेकर आए, कालिंदी ने उन्हें द्वार से ही लौटा दी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर जोशी के जो शराबी खोर पिताजी हैं उन्होंने दहेज मांगे थे और ये हरगिज कालिंदी को बर्दाश्त नहीं था। इसलिए उसने अपने पति को, अपने होने वाले पति को बारात को द्वार से लौटा दिए थे। और फिर वो चाहती थी कि इसलिए उसको मर्द जात से सख्त घृणा हो गई। तो फिर वो दिल्ली जाकर, हाँ देवेंद्र जी जब उनकी नौकरी हो गई जो, तो वो बचपन से ही कालिंदी को लेकर दिल्ली चले गए थे और तब जाकर उन्होंने फैसला किया था कालिंदी की शादी टूटने के बाद कि फिर वो अल्मोड़ा चले आएंगे। लेकिन कालिंदी फिर दिल्ली में बस गई अपने सहेली के साथ, अपने सहेली माधवी आयर, जिसे वो बचपन की दोस्त मानती थी, जिसे वो सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी। उसी के ही जो मंगेतर डॉक्टर अखिलेश शर्मा कालिंदी पर बुरी नज़र डाले, कुछ ऐसा हरकत कर बैठे जो कि कालिंदी की नज़र में मर्द जात की सम्मान को और भी ओछा बना दिया, और भी घृणा करने लगी वो पूरे मर्द जात से। लेकिन क्या पता था कालिंदी को कि उसके जो डॉक्टर अखिलेश शर्मा है, जो कि माधवी के मंगेतर, वो इस कहानी को एक ऐसा मोड़ दे दिए कि सारे दोष
कालिंदी के ऊपर आ गए, और फिर माधवी जो उनके बचपन की दोस्त थी वो अपनी सहेली को ही गलत मान बैठी। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि कालिंदी मर्जात से तो घृणा करने लगी और खुद एक शेरनी बन गई, खुद शेरनी बनकर जीने लगी। और फिर गर्मियों की छुट्टी में वो आ गई थी अल्मोड़ा अपने मामा माँ और मामी के साथ कुछ वक्त बिताने, और फिर वो चल दी अल्मोड़ा घूमने, वो पहाड़ी एरिया जो कि आपको इस किताब में उस पहाड़ी जगह की बहुत सारी सुंदर वर्णनाएँ रचनाएँ देखने को मिलेगी। और इस वक्त में उसकी और एक सहेली बन गई थी बहुत ही संक्षिप्त परिचय में, सरोज। और सरोज इसलिए इनकी सहेली बन गई थी क्योंकि सरोज की कहानी भी कुछ कालिंदी के जैसी थी। जब सरोज विवाह कर गई थी और उनके कुछ ही दिनों बाद उसके पति जब विदेश चले गए, उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों बाद जब वीजा रेडी हो जाएगा तो मैं भी तुम्हें लेने आ जाऊंगा और तुम भी विदेश चले जाना मेरे साथ। लेकिन कुछ ही दिन के वक्त थी कुछ ही दिन का वक्त बीता था कि सरोज के जो ससुर हैं वो गुजर चुके थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत चुका था और कुछ दिन बीतने के बाद सरोज के सास उन्हें हथियारे मान बैठी थी क्योंकि कुछ ही दिन के बाद उनके ससुर चल बसे थे और इन सब के जिम्मेदार उनकी सास सरोज के सास सरोज को मान बैठी थी। इसलिए कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने सरोज को अपने मायके भेज दिया। और क्यों ना जाने सरोज के पति जो हैं वो भी कुछ ना कह पाए क्योंकि वो विदेश में थे, उनको इन सब खबर मालूम ही नहीं थी। लेकिन कालिंदी तो कुछ और ही समझ बैठी थी कि उसके पति भी बाकी सारे मर्द के जैसे ही हैं। अपने घर वालों की बातों में आकर उन्होंने सरोज को नहीं समझा, लेकिन हालात बदला और सरोज के पति जो हैं सरोज को वापस ले जाने उनके मायके आए और सरोज चली गई उनके पति के साथ। लेकिन यहाँ पे ये सवाल आता है, क्या कालिंदी मर्द जात को वो सम्मान की नज़रिए से देख पाई थी? और इतने में आपको बता दूँ, इसी बीच कालिंदी के पास 3 चिट्ठियाँ आ चुकी थी और इस चिट्ठिया को उसने बिना पढ़े ही फाड़ दिया था। तो यहाँ पे सवाल उठता था, वो चिट्ठिया के थे किसके? क्या कारण थी कि कालिंदी उसे बिना पढ़े ही फाड़ दी थी? इसको जानने के लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। और एक बात ये समझ में नहीं आता, क्या कालिंदी अपनी जो भावनाएं हैं मर्द जात के प्रति, पुरुष जाति के प्रति, वो बदल पाती हैं? क्या उसे सही और गलत समझ में आएंगे, या फिर कालिंदी जिस बात पे अड़ी रहती थी वो बात सही है? क्या सारे मर्द एक जैसे होते हैं? क्या वो जो डॉक्टर जोशी हैं कभी कालिंदी को समझ नहीं पाए थे? क्या ऐसा हुआ था, क्या कुछ हुआ था? आपको इस किताब को पढ़ने के बाद पता चलेगा। और मैं कह दूँ आपको, इस किताब को पढ़ने के बाद जो हम पहाड़ी जगह के बारे में बात करते हैं, उनकी प्राकृतिक सुंदरता कुछ इस तरह से हमारे सामने आएंगे कि आप जब भी इस किताब को पढ़ेंगे ना, अपनी नज़र नहीं उठा पाएंगे। इस किताब में इतनी सम्मोहन शक्ति है। तो आज के लिए इतनी रुकती हूँ, नमस्ते। लेकिन एक बात कह दूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। और हमने ये भी बात मतलब निष्पत्ति कर ली है कि एक हफ्ते में एक बार, मतलब महीने के 4 वीडियो हम बनाते हैं, तो एक हफ्ते में आपको ऐसे ही हिंदी साहित्य की भेंट देने आएंगी और एक हफ्ते नॉन फिक्शन यानी कि कुछ मोटिवेशन किताबें जो हैं इनकी हिंदी अनुवाद लेकर आएंगे, जो कि आपको मदद करने में बहुत ही आसान रहेगी आपके लिए, आपको बहुत मदद पहुंचेगी। अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने में ही रुकती हूँ, नमस्ते।